मेरा नाम सादिक है और पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑब्जर्वेशन के बारे में बताया था। ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन से करेक्टर को कैसे डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि ऑब्जर्वेशन हम करें कैसे। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि आप जब कभी बाज़ार जाते हैं या कभी हॉस्पिटल जाते हैं या कभी रेलवे स्टेशन जाते हैं या कभी बस स्टॉप जाते हैं या कभी एटीएम की लाइन में लगे हैं आप, तो आपने देखा होगा बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग आपको मिलेंगे, अलग अलग तरीके की बातचीत करेंगे, अलग अलग तरीके के उनके एक्सप्रेशन होंगे, उनके बात करने का टोन अलग होगा, उनकी काफ़ी चीज़ें डिफरेंट होगी, अलग होंगी। आपको जब भी लगे किसी करेक्टर में कुछ अजीब सा है, कुछ अलग सा है, कुछ जादू सा लग रहा है, तुरंत कैच कर लीजिए, यही ऑब्जर्वेशन है। आप तुरंत कैच कर लीजिए और अपने माइंड में रख लीजिए, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो एक बहुत बड़ी मेमोरी हमें ईश्वर ने दी है। हम लोग इसमें जितनी भी चीज़ें डालेंगे ये कभी भरती नहीं है, हमेशा इसमें आप चीज़ें रखिए और आप पुरानी से पुरानी चीज़ों को रिकॉल करेंगे, आपको दोबारा आपका दिमाग आपको बता देगा कि आपने ये इतने टाइम पहले ऐसा देखा था और ये ऐसा है। ठीक है, आपकी मेमोरी बहुत बड़ी है, मीन्स आपका जो माइंड है वो बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें आप उसको स्टोर करिए, उन ऑब्जर्वेशन कैरेक्टर को स्टोर करिए और स्टोर करने के बाद उनको रखिए। और जब भी आपको कोई करेक्टर मिलता है तो उसमें उन जो अलग अलग चीज़ों को आपने ऑब्जर्व करा है, छोटी छोटी, किसी के बोलने का तरीका, किसी के हाथ चलाने का अंदाज़, किसी के सर घुमाने का तरीका, किसी के हंसने का तरीका, किसी के मुस्कुराने का तरीका, किसी के बोलने का तरीका, किसी की आंखों का तरीका, किसी का कुछ भी आपको अलग अलग लगता है, उसको रख लीजिए। रखने के बाद आप अपना जो करेक्टर आप करेंगे उस करेक्टर में उसको लगा के देखिए कि वो कैसा आएगा। अगर वो दमदार आता है तो मज़ा आ जाएगा और करेक्टर आपका ज़बरदस्त हो जाएगा। तो यही है मेन चीज़ ऑब्जर्वेशन, कि आप जहाँ भी जाते हैं जैसा भी है, एक आर्टिस्ट को अलग अलग चीज़ें इसलिए दिखती हैं कि वो उन चीज़ों को ढूंढता है। अगर आप नहीं ढूंढेंगे, याद नहीं रखेंगे, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग जब टीवी देखते हैं या कोई फिल्म देखते हैं अपने केबल पे, तो बहुत सारे लोग ऐड नहीं देखते होंगे। अरे ऐड कौन देखे, मगर आपको पता है जो ऐड फिल्म होती है, जो ऐड आता है टीवी पे, उस एक 30 सेकंड के ऐड में इतनी ज़बरदस्त क्रिएटिविटी होती है, शायद वो पूरी फिल्म में ना हो। उस 30 सेकंड के ऐड में इतनी ज़बरदस्त क्रिएटिविटी होती है जो उस टीवी की फिल्म में या सीरियल में ना हो। तो ऐड बहुत से लोग नहीं देखते होंगे, मगर मैं देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें से भी कुछ हमें मिल सकता है। तो आप अलग अलग जगहों से चीज़ें जोड़िए, इकट्ठी करिए, कैरेक्टर को बनाइए। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि आपका कैरेक्टर इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि आपको लोग याद रखेंगे, जैसे तमाम बड़े बड़े एक्टर को लोग याद रखते हैं। नवाज साहब हो गए, इरफान साहब हो गए, नसीर साहब हो गए, ओमपुरी जी हो गए हमारे स्वर्गीय, और मनोज बाजपेयी जी हो गए, तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने झंडे गाड़ रहे हैं। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और करते हैं और तैयार करते हैं, और जब वो परफॉर्म करते हैं तो आप देखिए उनकी क्वालिटी और उनकी चीज़ें एकदम ज़बरदस्त होती है और हम याद रखते हैं हमेशा। तो आपको मेहनत करना पड़ेगी और लगातार मैं आपको अच्छी से अच्छी, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आपको दूंगा। एक्टिंग में क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ताकत देंगी, मजबूती देंगी आपके कैरेक्टर के लिए, वो मैं चीज़ें आपको लगातार देता रहूँगा। आप जुड़े रहिए इस चैनल से, सब्सक्राइब करिए, आप अपने इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और बाकी आप लोग क्या चाहते हैं, आपको किन किन चीज़ों में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो आप मुझे डिस्क्रिप्शन के बाद जब आप वीडियो देखेंगे मेरा, तो उसमें आप अपना कमेंट्स कर सकते हैं, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, मैं वो चीज़ें आपके लिए जल्द से जल्द लेके आऊँगा। थैंक यू।